हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका मैडम टेक से। आज हमें यहां पर मोटोरोला के लॉन्च पर था। मोटोरोला ने तो फ्रेंड्स ये है नया मोटोरोला एक्शन, कुछ इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग में आपको दिखाई देगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके हाइलाइट्स 3 कैमरास विद 117 डिग्री वाइड एंगल एक्शन कैमरा, और एक बढ़िया स्क्रीन आपको मिलती है, 3500 mAh की बैटरी और इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस। तो देखते हैं बॉक्स में क्या क्या कंटेंट्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाता है मोटोरोला वन एक्शन का डिवाइस, एक TPU केस के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर ही, और फिर कुछ पेपर वर्क यानी कि क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रैवल अडाप्टर मिलता है, इनपुट 100 to 240 volt, और साथ ही एक चार्जिंग केबल। यहाँ पर आपको सी टाइप चार्जिंग केबल मिलती है, यानी कि फ़ोन में आता है सी टाइप चार्जिंग पोर्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको मिलते हैं एक सिम ट्रे ओपनिंग का पिन। तो फ्रेंड्स ये है नया मोटोरोला वन एक्शन, आपके सामने कुछ इस तरह का दिखता है, शानदार दिखता है ये फ़ोन काफ़ी, और हैंड होल्डिंग बहुत बढ़िया है इस फ़ोन की। फर्स्ट जब मैं इसे पहली बार हाथ में लेती हूँ, बहुत अमेजिंग होल्ड है इस फ़ोन की। और जहाँ तक इसने पिछली बार जैसे मोटोरोला वन विजन में भी हमने देखा था, उसी तरह का यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है, एक सिनेमैटिक विजन वाला डिस्प्ले है। 21:9 का बड़ा डिस्प्ले आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही बेजस काफ़ी स्लिम है, थोड़ा सा चिन ब्रॉड है, बट देन जो इसका इमर्सिव व्यू आता है सिनेमा विजन का, वो अमेजिंग आता है। और स्क्रीन है एक 6.3 inches की सिनेमा विजन स्क्रीन, और देख सकते हैं फ़ोन का जो फ्रेम है मेटलिक है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, फिर भी काफ़ी स्टर्डी है ये फ़ोन लग रहा है दिखने में भी। और स्पेसिफिकली ये वाइट कलर, इसमें एक डेनिम ब्लू कलर भी लॉन्च हुआ है, तो मुझे पर्टिकुलरली वाइट कलर मोटोरोला के फ़ोन्स का अच्छा लगता है, तो मैं उसी का वीडियो आप लोग के लिए लाई हूँ। पीछे आपको मिल जाता है एक ट्रिपल रियर कैमरा LED फ्लैश के साथ, और साथ में जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट है एंड्रॉयड वन। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेजर चीज़ मोटोरोला लाया है इस फ़ोन के साथ, वो है इसका इंडस्ट्रीज़ फर्स्ट अल्ट्रा वाइड एंगल एक्शन कैमरा। जी हाँ गाइस, तो फाइनली ऐसा कैमरा भी आ गया है जो अल्ट्रा वाइड भी है और एक्शन कैप्चर करने में प्रो है एकदम। तो इसका आप समझ ही सकते होंगे कि इस फ़ोन का जो कैमरा है उसका स्टेबलाइजेशन कितना बढ़िया होगा। और ये देखें अगर हम, तो क्लियरली दिखता है ये किस तरह से फ़ोन क्लटर फ्री है। एंड्रॉयड वन का एक्सपीरियंस स्टॉक एंड्रॉयड होने से फ़ोन बहुत ही साफ़ सुंदर क्लीन लगता है, और साथ ही आपको सारे सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह सबसे पहले मिलते हैं, और साथ ही गूगल फोटोज़ में आपको अनलिमिटेड स्टोरेज वगैरह इस तरह के कुछ अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एंड्रॉयड वन के एक्सपीरियंस के साथ। मुझे पर्सनली एंड्रॉयड वन वाले फ़ोन बहुत पसंद हैं। इस फ़ोन में आता है एंड्रॉयड 9 Pie, और जो प्रोसेसर यहाँ यूज़ किया गया है वो है सैमसंग एक्सिनोस 9609 का प्रोसेसर, जो कि काफ़ी डीजन प्रोसेसर है जो कि हम मिड रेंज फ़ोन्स में देखते हैं पहले भी। और इसमें आप आराम से मल्टीटास्किंग और गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता बिल्कुल भी। बैटरी एंड पे मुझे ये फ़ोन थोड़ा सा कम लगा इस बार, क्योंकि आजकल हम देखते हैं मार्केट में कितने सारे फ़ोन्स हैं 4000-5000 बैटरी के साथ, बट mAh की बैटरी आ जाती है, बट यहाँ पर आपको मिलती है 3500 की mAh की बैटरी जो आराम से ऑल डे लॉन्ग चल जाती है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, जो है इसका कैमरा। तो सबसे पहले अगर हम समझें कि ट्रिपल रेयर कैमरा कैसे काम करता है, यहाँ पर जो फर्स्ट लेंस ही जो दिया गया है वो इसका एक 16 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, जो इनका मेजर कैमरा है, पहला कैमरा है। और दूसरा जो सेंसर है वो 12 megapixel का सेंसर है, और फिर उसके बाद एक 5 megapixel का डेप्थ सेंसर है। और जो फ्रंट कैमरा है वो पंच होल के अंदर दिया गया है 12 megapixel का, और कुछ इस तरह से दिखता है इसका कैमरा का इंटरफेस, काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल, बट बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जैसे कि HDR फ्लैश, और सबसे इंटरेस्टिंग ये एक्टिव फोटोज़ वाला मोड है। मैं इससे कुछ सैम्पल्स मैंने लिए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं वो सैम्पल्स। और ऑटो मैनुअल में आप यहाँ पर स्विच कर सकते हैं, साथ ही कुछ और मोड्स जैसे कि
पोर्ट्रेट कटआउट, स्पॉट कलर, सिनेमाग्राफ, पैनोरोमा, लाइव फिल्टर, स्लो मो, टाइम लैप्स, एआर स्टिकर्स, यानी कि आप बहुत सारा अच्छा कंटेंट, फन कंटेंट बना सकते हैं. स्पॉट कलर ऑप्शन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है मोटोरोला के फ़ोन्स में. तो गाइस वीडियो में किया गया है एक मेजर अपग्रेड. जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर इंडस्ट्री का पहला अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो कैमरा दिया गया है. और एक और जो अच्छी चीज़ यहाँ पर दी गई है वो है कि आप अगर एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वर्टिकली भी, तो आप उसे प्ले जब करेंगे तो वो प्ले हॉरिजॉन्टली होगा. यानी कि आपको अपने हाथ को टिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको एक इस तरह का हॉरिजॉन्टल वीडियो लेना है, आप वर्टिकली होल्ड करें, वीडियो आपका बन जाएगा हॉरिजॉन्टली. क्योंकि इन्होंने अपने कैमरा लेंस को ही कुछ इस तरह से टिल्ट किया गया है कि वो आराम से एक वर्टिकल स्टैंडिंग वीडियो को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर देता है. आइए कुछ सैम्पल्स पर नज़र डालते हैं. जैसे कि फ्रंट कैमरा अगर देखें तो फ्रंट कैमरा यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का है, शानदार सेल्फीज़ ले रहा है, आप देख सकते हैं. और ये कुछ चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी. ये इसका एक लाइव फ़ोटो, जो एक्शन फ़ोटोज़ होते हैं उससे मैंने रिकॉर्ड किया है. काफ़ी बढ़िया वीडियो है, बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन है फ़ोन का, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. तो गाइस ये था एक क्विक लुक मोटोरोला वन एक्शन का. लॉन्च हुआ है 13999 में. तो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए टेक वीडियो में. तब तक के लिए हमारे टेक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.